तो हेलो दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आज का जो वीडियो होने वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है ना। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि कमेटी ने अपनी 4 तारीख को रिपोर्ट सौंप दी है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को। अब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने कुछ समय मांगा है, और जैसा कि अश्विनी वैष्णव जी का ट्वीट आज आया था कि 3 लाख से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन आए हैं, ग्रीवेंस आए हैं स्टूडेंट के, है ना, सुझाव उनको मिले हैं। तो जल्द ही हो सकता है इस पर कि हमारा एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको सुनने को मिल सकता है। और ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट का अनाउंसमेंट हो चुका है, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि अब ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट में अब ज़्यादा डिले नहीं होने वाला है, क्योंकि जान रहे हैं कि अश्विनी वैष्णव जो है रेलवे मिनिस्ट्री खुद एक्टिव हो चुकी है, क्योंकि वो लोग जान रही हैं कि अगर इस बार फिर से डिले किया तो बहुत मतलब बवाल होने वाला, और ये गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि वो मतलब कि विरोध का सामना उनको करना पड़े। तो ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट तो होगा ही होगा, है ना, और अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, ठीक है। और रही बात की एनटीपीसी का रिवाइज रिजल्ट, वो भी आने को बहुत ज़्यादा ही चांसेस है हमारे हक में। अब हमारा क्या दायित्व तो बनता है, क्या हम, अब सबसे बड़ी बात तो एग्ज़ाम तो है, अब हम क्या एग्ज़ाम्स के लिए तैयार हैं या नहीं है। बहुत सारे लोगों का तो अभी भी मतलब डाउट है कि हमारा मैथ कम्प्लीट नहीं हुआ है, हमारा क्या बोलते हैं, हमारा मैथ नहीं कंप्लीट हुआ है, हमारा रीजनिंग नहीं कंप्लीट हुआ है, पढ़ नहीं पा रहे, कैसे करें, डिमोटिवेट हो जाए। तो अब डिमोटिवेट होने का समय नहीं है, है ना। आप ही लोग हैं सारे कमेंट पे, हम लोगों ने टारगेट बैच स्टार्ट किया टेलीग्राम पे ग्रुप से। अब उसका सबसे मेन मोटो हमारा क्या है कि आपका एग्ज़ाम से पहले सारा ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ख़त्म कर देने वाले हैं। और ये जो वीडियो रहने वाला है उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो मैथ और रीजनिंग में उनका हर बार क्वेश्चन छूटता है। क्यों, क्योंकि जानते हैं कि आप मैथ और रीजनिंग सेक्शन सबसे कॉमन होता है और सबसे ज्यादा मार्क्स आप लोग अचीव कर सकते हैं, और वो जब तक स्ट्रांग नहीं रहेगा तब तक आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हो, है ना। और बात करते हैं आप लोग जैसे कि अब करना कैसे है। तो अगर आप लोग ऐसे डेली बनाने बैठते हो तो मन नहीं करता, कभी घर में ये काम रहता है, कभी मम्मी यहां भेज देते हैं, कभी कभी पापा वहां भेज देते हैं, तो मतलब थोड़ा सा मन नहीं करता, थोड़ा सा ढिलाई देकर करते हैं। लेकिन जब ये आपको एक टारगेट दिया जाए लोगों के बीच, इतने लोग बना रहे आपको टारगेट दे, तो ये पढ़ने में बहुत मजा आएगा, है ना, सभी लोगों के लिए, है ना, बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला। और आपको रहेगा कि नहीं हमको ये टारगेट अचीव करना, तो उसी के बारे में आप लोग चर्चा करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। और ये जो टारगेट रहेगा समझिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके एग्जाम में, और इसके रिजल्ट आपको 100% 10 दिन के बाद खुद दिखेगा, और आपके मार्क्स 100% है कि इंक्रीज होंगे, है ना। आप 10 दिन के टारगेट को ज्वाइन करो। अब देखिए मेन टारगेट के बारे में थोड़ा बात करते हैं हमारा क्या टारगेट। तो जैसा कि आप लोग सभी जान रहे हैं कि टेक्स्ट बुक में बहुत ही अच्छा ऑफर लाया है, ब्रेक द सीलिंग सेल, जो कि 5 से 8 मार्च तक लाइव रहेगा, है ना। और आप लोग इसमें जा करके ईयरली टेक्स्ट बुक पास को परचेज कर सकते हैं, जो कि 399 रुपये का टेक्स्ट बुक पास आपको मात्र 360 रुपये में पड़ेगा, वो भी हमारे कूपन कोड सिव अप्लाई करते हो तो आपको 39% का ऑफ मिलता है, और ये मात्र आप 360 रुपये में परचेज कर सकते हो। तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख दिया, आप जा करके वहाँ से परचेज कर सकते हैं। आप लोग बहुत कमेंट आ रहा था कि डेली 50 और डेली मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन दीजिए, तो हम लोगों ने आज बहुत सारे बुकों को कलेक्शन करके, यार बहुत सारे जितना है हमारे पास दिख रहा होगा, ये सर सारा बुक है, ठीक है, ये सभी बुक है, प्लेटफॉर्म के हो गए, किरण प्रकाशन के, यूथ के हो गया, इन सभी बुक है ना, प्लेटफॉर्म किरण प्रकाशन के सभी बुकों को हम लोगों ने कलेक्ट करके यहाँ पे मैथ के सारे प्रीवियस और क्वेश्चन ग्रुप डी के जितना है जब एनालिसिस किया तो देखा हम लोगों ने सभी शिफ्टों को मिला करके मैथ जितने ग्रुप डी 2018 वाला में एग्जाम हुआ मैथ का टोटल मैथ में कितना 2400 क्वेश्चन बनता है, और रीजनिंग में कितना है 2500 क्वेश्चन रीजनिंग में आपका बनता है। तो हम लोगों ने अब क्या क्या डेली आपको टारगेट देंगे, 2400 मैथ को और 2500 रीजनिंग को खत्म कैसे करेंगे, ऐसे करने बैठे हुए अकेले, है ना, पर्सनली इंडिविजुअली तो आप खत्म नहीं कर पाओगे, लेकिन टारगेट के तहत हम खत्म करवाएंगे और एग्जाम से पहले खत्म। और जब प्रीवियस ईयर पे कमांड हो गया तो आपको समझो कि पैटर्न पता चलेगा, और हम लोग रहेंगे हाँ एग्जाम में चल रहे थे, इसको कैसे खत्म करना है 2400 मैथ डेली, अगर 50-50 हम लोग करवा रहे हैं ना, डेली 50 का आपको टारगेट देंगे, संडे हो या मंडे हो, है ना, एक दिन भी छुट्टी नहीं, डेली 50 मैथ का दें, आपका टेलीग्राम चैनल में हम लोग 50 क्वेश्चन रीजनिंग का, 50 क्वेश्चन मैथ का डालें, हाँ मैथ का डालेंगे, और रेमन बोधी डालेंगे, आपको रीजनिंग का डाल देंगे, और क्या है कि 50 क्वेश्चन मैथ का डालेंगे और 50 क्वेश्चन रीजनिंग का डालेंगे, तो जिससे क्या होगा कि 2400 जितना टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 24 है वो आपका 50 दिन में खत्म हो जाने वाला है, 48 दिन में, है ना, और रीजनिंग कितना दिन में खत्म हो जाएगा आपका 50 दिन में पूरा रीजनिंग खत्म हो जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना। और आप जान रहे एग्जाम होने में लगभग इससे ज़्यादा थोड़ा टाइम लग ही सकता, तो एग्जाम से पहले जब आपका ये सब प्रीवियस और क्वेश्चन हो खत्म हो जाएगा, कमांड हो जाए, तो सोचो आपके लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और रही बात ये, जब आप क्वेश्चन खत्म कर लोगे तो पता है आपको एक सरप्राइज़ क्या मिलेगा, आप अगर कोई भी बुक लगाने बैठोगे, चाहे यूथ ले लो, चाहे प्लेटफॉर्म ले लो, चाहे किरण प्रकाशन ले लो, आपको लग रहा है ये तो पहले ही बना लिया, हम लोग को टारगेट ही में कर दिया गया, और ये हम लोगों ने डिसीजन इसलिए लिया है, कमेंट भी आ रहा था, आप लोग कमेंट से लिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों पास इतना एफर्ट नहीं कर पाएंगे कि इतना सारा बुक लेकर के वो बना सके, तो उनके लिए हम लोगों ने अच्छे
ढंग से मैनर वे में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, है ना। उसका आंसर की 6 घंटे बाद देंगे। क्यों 6 घंटे बाद देंगे? ताकि आप उसको क्वेश्चंस को बनाएं और टिक करके रखें कि इतना का ए, इतना का ए। जब जैसे आंसर किया है आप लोग मिलाइए तो थोड़ा सा मतलब कंपटीशन, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा आप लोग से वो कमेंट में हम लोग को जरूर बता दिया करें। सही बोले। हाँ मनमोह जी जो बोले थे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो क्वेश्चन नहीं बनेगा है ना, क्वेश्चन नंबर के साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं डेली, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चन को कलेक्ट करेंगे। और ऐसे करने से क्या होगा ना, मतलब जो जो क्वेश्चन नहीं बने, जैसे आज मैंने डाला 50 मैथ के 50 रीजनिंग, तो ऐसा नहीं है कि सभी से बन जाएंगे। कुछ लोगों से नहीं बनेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन टफ आएंगे। 5-6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन डेली आपको मिलेगा, उस तरह छाटना है और आपको बताना है, कमेंट करेंगे क्वेश्चन नहीं बना, उसको हम लोग कलेक्ट करेंगे। और यही सब जो क्वेश्चन होता है जो आपका यहाँ नहीं बन रहा है, अगर उसके ऊपर कमांड कर लिए, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में भी बनेगा, लेकिन जब उसको आप लोग फिल्टर करके, है ना, प्रैक्टिस अच्छे से करके कर लेंगे यहां पे, तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपका रिजल्ट आएगा। तो क्वेश्चन जो यहां छूटता है उसको यही पे हम लोग फिल्टर करेंगे, है ना। जो टफ टफ क्वेश्चन रहता है डेली सेट में तो हमको मिलेगा ही मैथ और रीजनिंग का। तो इस तरह हम लोग डेली आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे 50 मैथ के 50 रीजनिंग का, जिससे आपका 48 से 50 दिनों में पूरा टारगेट खत्म हो जाने वाला है। और ग्रुप बी का सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ये आपको टेंशन नहीं लेना है कि कौन बुक से दे रहे हैं कौन बुक से नहीं दे रहे, समझिए कि सब बुक्स का आपका खत्म होने वाला है। क्योंकि अरे 1800 जो ग्रुप डी में एग्जाम हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो उस सब बुक तो वही छापेगी, कोई अलग से तो नहीं छापने वाली। तो आपको तो किसी एक ही बुक को पढ़ना होगा ना, किसी एक बुक को किया तो वही कंटेंट तो उसी बुक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है। तो इसके लिए आपको टेंशन एकदम नहीं लेने की जरूरत है। ऐसे भी आप लोग सबको पता चलता है कौन बुक से नहीं दिए कौन, तो हमको उससे मतलब नहीं, बस हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलना चाहिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड करवा रहे हो अभी सारे शिफ्टों के ग्रुप डी के। फिर उसके बाद जैसे ग्रुप डी खत्म होगा, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपका फिर उसके, हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट है जैसे ग्रुप डी का ये खत्म हो जाएगा, नहीं तो फिर बीच बीच में हम सोच रहे RPF हो गया और कांस्टेबल NCERT जो पैटर्न पे है ना क्वेश्चन, उसको भी हम लोग कलेक्ट करके सैटरडे संडे को हम आपको मैथ वाला देंगे, है ना, रीजनिंग वाला देने का कोशिश करेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, उसको कलेक्ट करना पड़ेगा अच्छे से। तो ये तो हमारा पैरेलली चलते रहेगा, उसके साथ सैटरडे और संडे को NCERT पैटर्न पे क्वेश्चन हम लोग वो अपलोड करेंगे और आपको बता देंगे, ठीक है। तो इसके लिए बुक के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है कौन बुक से दे रहे कौन बुक से नहीं दे रहे, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही दे रहे, और आप ही के बीच का बुक दे रहे हैं ना, आप पढ़ते हो जो प्रैक्टिस को उनको पता चल जाएगा। तो हमारा डेली मोटो है कि हम इसलिए करवा रहे क्योंकि पढ़ते तो सभी लोग, लेकिन जब टारगेट एक कोई देता है ना, अगला टारगेट देता है, तो थोड़ा मजा आता है, कंपटीशन बढ़ता है, लगता है कि हाँ हमें भाई बनाना है डेली। तो इस तरह आपको एक बहाना तो मिल रहा है ना, कि बहाना तो मिल रहा है कि वो 50 मैथ बनाना 50 रहती, इसी तरह आपको एक्स्ट्रा पढ़ने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। और आपके गारंटी बोल रहे हैं 10 दिन इस तरह आपको करके देखो, आपको इंप्रूवमेंट नहीं होगा तो बोलना, ठीक है। और ये सारे आप ही लोगों के कमेंट को लेकर के हम लोगों ने ये बैच को स्टार्ट किया है टेलीग्राम पे, हमारा डेली ये चलने वाला है। और बात करते हैं जिनका सॉल्यूशन नहीं बनेगा वो भी आपको बताना है, आपको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर बता दीजिएगा, है ना। इस तरह ढेर सारा फिल्टर हो जाएगा क्वेश्चन की कौन कौन क्वेश्चन नहीं बना, अब उसको हम बोर्ड में एक बार डिस्कस करके बता देंगे, आपको सॉल्यूशन उसका सारा दे देंगे, है ना। तो इससे क्या होगा, जब यहाँ पर प्रैक्टिस होगी हार्ड क्वेश्चन के ऊपर, तो एग्जाम में तो तुम गर्दा उड़ा के आ जाएगा, वो देखते के साथ ही हम लोग बना लेंगे, हाँ इससे पहले हमने इसके ऊपर काम किया हुआ है। तो इसी तरह हम लोग डाल देंगे डेली सुबह, कल सुबह ही जाएगी आपको मैथ की और रीजनिंग की डल जाएगी, ठीक है। हम मैथ का डालेंगे, मनमोह जी आपको रीजनिंग का डाल देंगे डेली 50-50 क्वेश्चन, और कुछ देर बाद इसका आंसर की भी आपको डाल देगा। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और भाई आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें अगर अच्छा लगता हो तो, है ना, आपके लिए लगता है। हाँ, टेलीग्राम चैनल हमारा नाम है शिवम क्लासेस धनबाद से, हम लोगों का टेलीग्राम चैनल है ना, उसको जाकर के आप लोग ज्वाइन कर लें। तो चलिए धन्यवाद, वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर, जो नए जुड़े हैं ना सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। चलिए धन्यवाद।